हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आगे पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम रफी अहमद है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। आज नोट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल एक यूनिट है, इसका सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। ओके, एक इज ए यूनिट विच इज यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मात्रा, मात्रा अमाउंट का मतलब होता है इसमें मात्रा। किसी भी सब्सटेंस का मात्रा को नापने का यूनिट को हम लोग मोल को। मोल कॉन्सेप्ट को भी लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वन डजन कोई सब्सटेंस लिया, जैसे वन डजन लिया, कोई भी चीज लेंगे, वन डजन मतलब 12 पीस कुछ भी हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, लेकिन हम 12 पीस होती है। जैसे कि फेमस एग्जाम्पल है एक दर्जन केला, मतलब वन डजन केला 12 पीस। ओके, उसी तरह मोल में हम लोग देखेंगे कि कितना पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस नापते हैं पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो हम लोग एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, उसे एनए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एनए से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू कितना होता है? 6.0602×10^23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, ये सब पार्टिकल्स में आते हैं। केस नंबर वन का एग्जाम्पल दिए है, जैसे गिवन मास दिया हो तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है। इफ 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर सेंटीमीटर कंटेनर फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोल्डर अगर गिवन मास दिया हुआ है कितना 96 ग्राम O2 है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे ऊपर एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए, ठीक है। दो से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर 32 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। 32 ग्राम O2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास 32 32 ग्राम होगा। इसे डिवाइड करते हैं तो 3 मोल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मोल्स हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? एक बार और समझते हैं। इफ 96 ग्राम ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, मतलब फार्मूला देख लीजिए फिर से, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, O2 का मॉलिक्यूल दिया हुआ, एटम नहीं दिया हुआ, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास नहीं है। गिवन मास 96 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, निकाला 3 मोल्स आ गए, यही आंसर है। धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में